अभी कौन सा नया टॉपिक पढ़ा जाए? बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी पे अभी जंप नहीं कर सकते बेटा, उसके लिए पहले 3 यूनिट हमें पढ़ने पड़ेंगे, तभी बायोटेक्नोलॉजी समझ में आएगी। हाँ है तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, पर वो पहले 3 यूनिट्स हमें कवर अप करने पड़ेंगे, ठीक है? उसके बाद में ही बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? हाँ, इस यूनिट में से कौन सा पोर्शन नहीं है, ये भी अच्छा यूनिट है, मतलब है हमारे पास में समय है इस ट्रिकी यूनिट्स को पूरा कंपाइल करके फिर इसमें से अच्छा समय दे सकते हैं इस यूनिट के लिए, है ना? तो दिस इज द लास्ट यूनिट, इसमें से कि बहुत सारा, बहुत सबसे लंबा वाला यूनिट ही ये, और इसमें से हम बहुत सारा मैटर डिलीट हुआ है ना? तुम लोगों को पता है कि बच्चों कौन सा मैटर इसमें से डिलीट हुआ है, कौन सा मैटर है? हमें क्या पढ़ना है इसमें से पता है तुम लोगों को? हाँ बताओ को सर, इस यूनिट में से क्या पढ़ना है हमें, बताओ बेटा। हाँ बोलो, चलो बताओ मुझे, हमें इस यूनिट में से क्या पढ़ना है? हाँ आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ। अच्छा, डिलीटेड पोर्शन बता रहे हो, पढ़ने वाला पोर्शन बता रहे हो? 15.1 डिलीटेड इज 7, 15.7, 15.8, 15.9 आर रिमूव्ड, है ना? ओके वैष्णवी, आपके भी मिले, दोज आर द नॉन डिलीटेड वन, ठीक है? सो हमें 15.1 से स्टार्ट करना है, 15.7, 8, 9, इसके बाद में 15 और 10, है ना? सो वो नहीं है, ओके गाइस, सो उसको छोड़ देते हैं, लेट्स रीड इट आउट। चलो 15.1 आर टॉपिक, फिर से मैं रिवर्स ले गई हूँ क्या? चलो ओके, लेट्स स्टार्ट द यूनिट। सो द वेरी वेरी ह्यूज यूनिट एंड दैट्स अ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यू, बहुत सारा पोर्शन हमने ऑलमोस्ट कवर अप कर लिया है, लाइक फर्स्ट सेकेंड सेक्शन तो हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, फर्स्ट सेक्शन में से कुछ क्वेश्चन बाकी है हमारा। ओके सो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एनवायरमेंटल इशू, ये एनवायरमेंटल इशू पहली बार आपके सिलेबस में आए हैं एंड दैट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो। सो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इससे रिलेटेड अपने 8, 9, 10th में बहुत बार पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा एग्जैगरेट किया है। सो जस्ट यू नो जो चीजें आप 5th standard से पढ़ के आए हैं कि हैव यू लर्न अबाउट चिपको मूवमेंट एंड एफर्ट्स ऑफ श्री जाधव पेनियांग इन द स्कूल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ सच एक्टिविटीज। अच्छा पता है तुम लोगों को क्या बात है, बहुत लोगों ने हैंड रेज किए, कौन थे भाई श्री जाधव पेयांग? श्री जाधव पेयांग कौन थे बताओ? चिपको मूवमेंट तो पता है सबको, so who is the leader of chipko movement and who is the shri jadhav payang, anybody from your class? You all of you have raised the hand, no? That's why I'm so surprised ki aapko sabko pata hoga. Ha batao, come on, go ahead, who is he, shri jadhav payang? Yes, I'm waiting for you guys. Nobody knows.
हाँ सुंदरलाल बहुगुना, या दैट इज द हेड ऑफ द चिपको मूवमेंट. ओके ओके ऑल दिस क्वेश्चंस के आंसर आर गिवन इन योर कॉपी. व्हाई शुड वी हैव नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज, क्या जरूरत है मुझे बताओ. व्हाई शुड वी हैव द नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरी, वी शुड हैव द नेशनल पार्क एंड द सेंचुरीज सो दैट एट अ वन प्लेस वी कैन सी द डिफरेंट एनिमल्स एंड डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है. And the local person, the common man, also can be aware of this kind of animals and the plants, biodiversity. We have read about how Indian scientist won the battle for a patent of turmeric. तुमने नहीं पढ़ा. मैं बता देती हूँ, टर्मरिक और बासमती राइस की स्टोरी ये इससे पहले वाले यूनिट में है. एंड वाई वॉज गेनिंग दिस पेटेंट एसेंशियल. पेटेंट का मतलब होता है गाइस डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर रिसर्च. पेटेंट इज द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिसर्च. कभी ना कभी शायद मैंने बताया भी होगा, टर्मरिक और बासमती, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम वी हैव बीन यूजिंग अ टर्मरिक फ्रॉम आर, और जितने भी इंडिया में जितने भी हमारे होली बुक्स है सब में लिखा है कि इंडियन पीपल्स आर यूजिंग अ बासमती राइस एंड द टर्मरिक. इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. But the American people said no, no. It's basmati and turmeric is our crop, and they have filed a patent to that. उन्होंने कहा कि ये हमारा है. और फिर हमने उनके सामने बहुत सारे प्रूफ रखे. और दैट टाइम द हेड ऑफ सीएसआईआर इज द काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के हेड थे रघुनाथ माशेलकर. So he is the Raghunath Mashalkar. He is the very renowned scientist. Now he is the head of now. मतलब he is a retired person now, and now he is the heading of research of Reliance Life Sciences. He is the director of that that life science के लिए जो भी human being के लिए अच्छी drugs बनाई जाती है low cost generic medicine के head है. तो what I'm going to talk, he was the person जिसने बहुत fight की और finally भी वो. तो turmeric उन्होंने क्या किया था, बासमती राइस जो है हमारे यहाँ का है, बहुत सालों से बनता है हमारे इधर हिंदुस्तान में, बहुत सालों से बनता है. तो उन्होंने क्या किया, एक बासमती राइस और उनके यहाँ की एक राइस की जो प्लांट थी उसका क्रॉसिंग किया. और उन्होंने, आपको तो पता है मैंने बताया था शायद, उन्होंने टेक्स्ट मती बनाया था, टेक्स्ट मती टेक्सास में बनाया था, तो उसको नाम दे दिया टेक्स्ट मती. और उन्होंने कहा कि नो नो इट इज आर. तो फाइनली वी वोन, ऐसा नहीं करते तो वी हैव टू पे अ लॉट ऑफ रॉयल्टी टू देम. और हम बासमती राइस की प्राइस इंडिया में बढ़ जाती. और हर वो चीज, हर वो प्रोडक्ट जिसमें टर्मरिक यूज होता है उसके लिए वी हैव टू पे द मोर मनी. What is in situ and ex situ conservation? Anybody from your class, what is the meaning of in situ and what is the meaning of ex situ? Come on guys, anybody? What is the meaning of in situ and what is the meaning of ex situ? इसमें से एक का आंसर है इन द लेबोरेटरी, एक का आंसर है इन द नेचुरल एनवायरमेंट. What is ex situ? Anybody from your class? What is the meaning of ex situ and what is the meaning of in situ? In situ का मतलब होता है in a laboratory and ex situ का मतलब होता है in a natural area, बाहर, outside the laboratory, इस तरह. Manjuri and the Kausar answered me for this. Okay guys, so diversity is a variety. This variety of life is called as a biodiversity. Like we are living in a place जहाँ पे lot of animals, lot of plants, जो हमें अब तक के पता भी नहीं. Still the research is going on and people are searching for all of them. Biodiversity includes a vast array of species. इसमें ढेर सारे microorganisms से लेके viruses, viruses से लेके algae, algae से लेके fungi, fungi से लेके plant, plants से लेके animals, सभी आते हैं guys. So, ये सब बनाते हैं बायोडायवर्सिटी. एंड ईच ऑफ वन, हर एक कंपोनेंट, वायरस छोड़ के ईच एंड एवरी कंपोनेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर इकोसिस्टम. सो डायवर्सिटी इज विथ रिस्पेक्ट टू साइज है, शेप है, कलर्स है, फॉर्म्स, मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका अलग है, हैबिटेट्स अलग है, रिप्रोडक्शन के टाइप्स अलग है, मोर्टिलिटी, ड्यूरेशन ऑफ लाइफ सबका अलग है,
ठीक है, दिस इज एक्चुअली ड्यू टू द अटेम्प्ट ऑफ लिविंग बीइंग टू अकोमोडेट विद द डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन. ऐसा इसलिए है, हर एनिमल्स के रूप, रंग, साइज, शेप, लाइट, स्पैन सब डिफरेंट इसलिए है कि वो उस एनवायरमेंट में एडजस्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. जैसे कि एनवायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि क्लाइमेटिक, इडैप्टिक, टोपोग्राफिक, ज्योग्राफिक एक्सेट्रा. एनीबडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोपोग्राफी? What is the meaning of topography? Zoology में पढ़े होंगे. What is the meaning of topography का meaning क्या होता है? Yes. अपने अपने earlier classes में पढ़ा होगा. What is the meaning of topography? Topography. Edaphic का मतलब होता है soil condition. Soil. Related to soil. टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? टोपोग्राफी बहुत सी बार न्यूज में भी आता है. टोपोग्राफी वर्ड न्यूज चैनल पे भी आता है गाइस. टोपोग्राफी, यस. अरेंजमेंट क्या लिखा है? डिस्ट्रीब्यूट नेचुरल एंड आर्टिफिशियल अरेंजमेंट इन एरिया. टोपोग्राफी का मीनिंग होता है ना बच्चों, हमारा लैंड जो सरफेस है, लैंड सरफेस पे कैसे कैसे प्लांट, कैसे एनिमल्स होते हैं, क्या चीजें प्रेजेंट होती है, सो उसकी स्टडी, लिविंग नॉन लिविंग थिंग कौन सी होती है, उसे हम कहेंगे गाइस टोपोग्राफी. उसे हम टोपोग्राफी वर्ड कहेंगे. दैट इज टोपोग्राफी. इडैपिक रिलेटेड टू सॉइल कंडीशन. टोपोग्राफी गाइस रिलेटेड टू ज्योग्राफी. अच्छा बताओ ज्योग्राफी, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम यू गाइस आर लर्निंग द ज्योग्राफी. हाँ, बड़े सिंपल से वर्ड है पर बहुत से बार यूज भी करते हैं पर हमें उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता. यस. ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है? ज्योग्राफी जो प्लेस है वहां पे लिविंग नॉन लिविंग चीजों का इंटरेक्शन कैसा होता है, वो स्टडी होता है ज्योग्राफी. वो स्टडी क्या होता है? ज्योग्राफी. दैट स्टडी इज द ज्योग्राफी. स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं कौसर. साथ ही साथ ज्योग्राफी में सरफेस ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर इंटरेक्शन भी आएगा बच्चों. ठीक है, चलो. सो ये सभी हो गया गाइस. ये सभी है आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन. इसमें ढलने के लिए अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स खुद में चेंजेस लाते हैं. ठीक है ना गाइस. और सिचुएशन सोली फॉर देयर सर्वाइवल एंड द परपुरेशन. इन डूइंग सो लिविंग ऑर्गेनिज्म अडॉप्ट देमसेल्व्स टू ओवरकम डिफरेंट सिचुएशंस and thus develop a distinct but a different features. सब में अलग features आ जाते हैं and that has actually lead to diversity. वही diversity में convert हो जाते हैं. The diversity in features become infused in the life cycle. In short, this adaptation is different environment serve as a basis. So हर एक species में, हर एक plants में, हर एक animals में जो diversity है guys, वो diversity है उसके adaptations के लिए. ठीक है, इतना सिर्फ ध्यान में रखना है और यही आगे चलके variations लाती है. देखो evolution हमने बड़े बहुत अच्छे से पढ़ा है. दो evolution का बहुत सारा portion आपको syllabus में नहीं है but evolution जब हम पढ़े तो हमें पता चला कि actually what happens with our life. देखो knowledge कभी भी जाया नहीं जाता है. It is not going to be a waste. आपने पढ़ा तो है, at least हमें पता तो चल रहा है कि how it happens. क्या क्या सोचते हो guys? Evolution पढ़ना आपके लिए बुरी बात थी या अच्छी बात थी? Raise your thumb if it is yes, good thing. है ना, हमें पता तो चला कि हमारे planet पे चीजें कैसी कैसी आगे further आगे गए, कैसे ह्यूमन कम्युनिटी भाई. अभी तो आपको ह्यूमन इवोल्यूशन है, मॉडर्न डेयरी है, बीच वाले जो प्रोसेस थे वो आपको पता चलने से आपका नॉलेज और बढ़ गया है गाइस. नॉलेज तो हमेशा आपके साथ है. सो नाउ डेफिनेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी और ये पूरा का पूरा यूनिट जो है गाइस, आज के लिए बस इतना ही गाइस. इट्स 5:00.
अभी नेक्स्ट टॉपिक जो है गाइस, हम ये यूनिट कंटिन्यू करेंगे। इसमें ढेर सारी चीजें हमें पढ़नी की है। कल के लिए अराउंड 11 क्वेश्चन आर देयर जो कि लर्न करने हैं। नीट स्टूडेंट को नोट मिल गई है आपकी टेस्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस पे। अच्छा, कोई स्पेसिफिक ही टॉपिक पे नहीं रहेंगी गाइस कि भाई सिर्फ मैं एमटीजी से या एनसीईआरटी एक्सप्लेनेटर से दूंगी। इट इज ऑल आवर कवर्ड, सभी बुक में से आ सकते हैं। सो थरो स्टडी करो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का, ठीक है? ओके गाइस, थैंक यू।